आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि एमएस वर्ड पर शॉर्टकट की से क्लिप आर्ट का यूज कैसे और कब करते हैं। तो मैं हूं गुफरान टाइपिस्ट। वीडियो को पहले ही कर दीजिए लाइक और मैं वीडियो को शुरू करता हूं। देखिए दोस्तों, यहां पर हमने एमएस वर्ड ओपन कर रखा है। दोस्तों, क्लिप आर्ट का यूज तब करते हैं जब आपको कोई न्यू पिक्चर जनरेट करके दिखाना होता है। तो चलिए पहले माउस से सीख लेते हैं, उसके बाद बिना माउस के यानी कि शॉर्टकट की से सीखेंगे। तो अभी हम सबसे पहले इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्लिप आर्ट का ऑप्शन है। उससे पहले आपको एक बात जान लेना है कि अगर आपको पिक्चर ऑप्शन का यूज करना नहीं मालूम है तो वीडियो आई बटन में है, आप देख लेना, ओके। तो देखिए अभी हम क्लिप आर्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इतना करने के बाद आप अपनी फाइल के राइट साइड की तरफ देखिए, क्लिप आर्ट ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सर्च फॉर है, तो यहाँ पर आप उस इमेज को बिना इंटरनेट के सर्च कर सकते हैं जो इमेज आपके कंप्यूटर में बाय डिफॉल्ट पड़ी होंगी। जैसे अभी हम यहाँ पर होम लिखते हैं, इसके बाद सिंपली इंटर को प्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जितनी भी होम की इमेज थी वो सर्च में आ चुकी हैं। अब इनमें से जिस किसी इमेज को फाइल पर इंसर्ट करना है उस पर एक बार क्लिक कर देना है। बस यहाँ पर ये पिक्चर हमारी फाइल पर आ चुकी है। दोस्तों अभी ये पिक्चर मूव नहीं होगी, मूव करने के लिए इसी पर डबल क्लिक करना है। इसके बाद ऊपर आपको एक ऑप्शन टेक्स्ट रैपिंग का मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, ओके। तो इतना करने के बाद अब इस इमेज को कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। तो क्लिप आर्ट से आप किसी भी पिक्चर को ऐसे ही सर्च कर सकते हैं। अब अगर इस पिक्चर को डिलीट करना है तो इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है, बस ये पिक्चर डिलीट हो जाएगी, ओके। इसके बाद अभी हम क्लिप आर्ट को क्लोज कर देते हैं। दोस्तों अब चलिए क्लिप आर्ट ओपन करने की शॉर्टकट की सीख लेते हैं। तो Alt प्लस N प्लस F यानी कि Alt को दबा के छोड़ देना है और जस्ट N और F को प्रेस करना है। Alt N F को प्रेस करने पर साइड में देखिए क्लिप आर्ट ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर हम कुछ और सर्च करके देख लेते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पर प्लेन टाइप करते हैं, इसके बाद सिंपली गो पर क्लिक करना है या फिर इंटर को प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर देखिए कुछ प्लेन हमारे सामने आ चुके हैं। अब इधर देखिए, जब इस पिक्चर पर कर्सर को लाएंगे तो साइड में एक ड्रॉप डाउन एरो आ जाएगा, तो इस पर क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए प्लेन की इमेज फाइल पर आ चुकी है। अब अगर आपको क्लिप आउट ऑप्शन बिना माउस के ही क्लोज करना है तो वही शॉर्टकट की Alt प्लस N प्लस F यानी कि Alt N F को प्रेस करना है। तो देखिए क्लिप आउट बिना माउस के क्लोज हो चुका है। दोस्तों अब आप क्लिप आर्ट का यूज़ करना जान गए होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।